आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीज को अब इग्नोर करता मतलब अपने आप में बहुत ही बड़ा चैलेंज होते जा रहा है, क्योंकि जितनी डेडिकेशन जितना हार्डवर्क भाई साहब यहाँ पे हमारा आलिया भट्ट जफर शो कर रहे हैं, जितना डेडिकेशन भाई साहब यहाँ पे हमारा टैंकर अली शो कर रहा है, रात को 12 बजे गाइस, रात को 12 बजे भाई, ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन डायरेक्टर है, ये अपने आप को पर्सनली इस मूवी के ट्रेलर कटिंग के लिए भाई परेशान कर रहा है, रात रात भर ये लोग काम कर रहे हैं, और ये इसका प्रूफ इस बंदे ने खुद शेयर कर दिया गाइस, कल रात को 12 बजे यहाँ पे इस जबरदस्त पोस्ट को शेयर किया गया है, मिडनाइट एडिट सेशन गाइस। और आपको बता दूं ये जो चीज़ें हो रही है, ये हो रही भाई साहब यहाँ पे हमारे ट्रेलर के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, जबरदस्त ट्रेलर कट की तैयारियां की जा रही है। आपको स्क्रीन के ऊपर भाई साहब यहाँ पे 2-3 फोटोज नजर आएंगे, एक फोटो के अंदर भाई साहब यहाँ पे हमारा वो परफेक्ट गाइस बो एंड एरो वाला सीन जो पोस्टर हमारे आलिया भट्ट जफर ने बहुत पहले शेयर कर दिया था, और दूसरे सीन में भाई साहब यहाँ पे आपको नजर आएगा हमारे एक्शन कुमार भाई साहब यहाँ पे हमारे खिलाड़ी कुमार विद टाइगर एंड जबरदस्त तरीके से लोग माहौल फैला रहे, वो एक्शन अवतार वाला सीन, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं काफी स्मार्टली हमारे आलिया भट्ट जफर ने ऑडियंस को बता भी दिया कि हम लोग फिलहाल के इसमें ट्रेलर कटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, और काफी स्मार्टली यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नया सीन लीक भी नहीं किया है कि ऑडियंस के अंदर से बोल रहे हैं कि जो माहौल है वो गर्म गर्म भी किया जा सके, और कहीं ना कहीं कुछ नए की उम्मीद भी ऑडियंस रख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आई थिंक अब जब ये चीजें शेयर हो रही हैं, एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं ऑडियंस की बढ़ रही है। फिलहाल के इसमें आप लोग जानते हैं गाइस यहाँ पे हमारा तीसरा गाना वल्ला अभी भी आपको जल्दी नजर आने वाला है, उसका भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन हो चुका है एंड इस ने बातें ऑलरेडी कर ली, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। लेकिन ये जो माहौल फैला है बहुत ही तगड़ा हो चुका है। हाँ, आपको बता दूँ फिलहाल के समय जो डेट्स निकल करके आ रहे गाइस ट्रेलर को लेकर के, यू कैन एक्सपेक्ट गाइस आपको जो मच अवेटेड हमारा ट्रेलर है, ये ट्रेलर कहीं ना कहीं आपको इसी मंथ, यस गाइस यहाँ पे मार्च मंथ के ही लास्ट वीक में आपको मिल सकता है। इस चीज़ की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा आप रख सकते हैं, सीरियसली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे अप्रैल मंथ में जाने की गुंजाइश होने वाली बिल्कुल भी नहीं है ट्रेलर को लेकर के। अप्रैल मंथ में कुछ और स्पेशल चीज़ें हैं जो कि प्लान की जा रही है, और वो भी होंगी, लेकिन फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस ये रख सकते हैं कि मार्च का लास्ट वीक या फिर लास्ट डे भी कहीं ना कहीं चीज कंसीडर किया जा सकता है कि आपको अपने मच अवेटेड फिल्म का मच अवेटेड ट्रेलर मिल जाए, और ये चीज होना ही होना है, क्योंकि भाई इतना जल्दी आलिया भट्ट जफर इस चीज को रुकने नहीं देंगे भाई साहब, जो सुनामी फैला हुआ है। एंड आप लोगों को मैंने बहुत बार पहले बता चुका हूं कि मार्च जो महीना है यहाँ पे अपने प्रमोशंस पीक के ऊपर होने वाले हैं, प्रमोशंस बहुत तगड़े होंगे, बहुत धुआंधार होंगे एंड बहुत ही सरप्राइज आपके लिए है, तो उनमें से एक सरप्राइज कहीं ना कहीं अपना ट्रेलर भी बताया जा रहा है, सो जस्ट वेट एंड वॉच क्या क्या सरप्राइज आपके लिए आ रहे हैं। बट फिलहाल के लिए आलिया भट्ट जफर के इस मेहनत को एक ग्रैंड सैल्यूट मेरी तरफ से, क्योंकि भाई ये बंदा है तभी कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों फैंस की उम्मीदें फिलहाल इसमें टिकी हुई है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार सरप्राइज तो है, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज है, सबसे पहला वल्ला हबीबी वाला, सो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो एंड कहीं ना कहीं दूसरा सरप्राइज होने वाला है वो होला हमारा ट्रेलर। सो आप कितना एक्सपेक्टेशन प्लीज कमेंट करना, क्या लगता है भाई ट्रेलर का धमाका कितना बड़ा होगा एंड क्या लगता है प्लीज कमेंट करना। अभी के लिए इतना ही, और चैनल पर सब्सक्राइब करना, बाय।